वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज जमीयत की बैठक चल रही है, जहां अरशद मदनी ने बिल का विरोध किया। बिल का विरोध करते हुए कह रहे हैं मदनी कि यह संशोधन एक खतरनाक साजिश है और अगर ऐसा हुआ तो हमारी मस्जिद खतरे में होगी। अरशद मदनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अब उनसे 800 साल पुरानी मस्जिद के भी सबूत मांगे जाएंगे। औकाफ को हड़पना चाहते हैं, हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है, और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्बो जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। अगर वक्फ तरमीमी बिल पर आग लगती है तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी।